मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। लोजपा में टूट के बाद जदयू में टूट होने वाली है। चिराग मॉडल तैयार कर बीजेपी जदयू के अंदर उथल पुथल मचाने की थी। यह आरोप जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लगाकर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। तो क्या जिस तरह एलजेपी में टूट हुई थी, ठीक वैसे ही जेडीयू में टूट होने वाली थी? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में बड़ा षड्यंत्र हुआ? जेडीयू के ललन सिंह ने तो साफ तौर पर इन सवालों को सही बताया है। बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हुए अपनी ही पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह को निशाने पर ले लिया है। ललन सिंह ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कद छोटा करने के लिए साल 2020 में षड्यंत्र हुआ था। तब एक मॉडल तैयार किया गया था जिसका नाम था चिराग पासवान। अब दूसरा चिराग मॉडल तैयार करने का षड्यंत्र था। कुछ लोग जेडीयू रूपी जहाज में छेद कर उसे डुबाना चाहते थे। हम आभारी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे लोगों को पहचान लिया, जहाज की मरम्मत करके उसे एकदम ठीक कर दिया है। अब कोई षड्यंत्र यहाँ चलने वाला नहीं है। ललन सिंह के इस बयान को सुनकर बड़ा सवाल उठता है कि वो इन आरोपों को किस पर लगा रहे हैं, कहीं उनका इशारा बीजेपी की ओर तो नहीं है। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के एक दिन बाद ललन सिंह पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर कहा कि हमारी सीटें कम हुई, यह साजिश और षड्यंत्र के कारण हुआ, ना कि जनाधार में आई कमी के कारण। मुख्यमंत्री ने विकास की इतनी लंबी लकीर खींची है, वह किसी के मिटाने से नहीं मिटेगी। जेडीयू डूबता नहीं बल्कि दौड़ता जहाज है। साफ है बिहार की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, न सरकार में न पार्टी स्तर में। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य की सियासत में जल्द ही कोई बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।